Hello kids, good morning. Welcome to the computer class of standard 2. Last year you have learned about uses of computer, parts of a computer, parts of a mouse, keyboard keys, yes or not? Okay, today we are going to learn about standard 2, lesson number 1. The name of the lesson is using the computer. Computer ka use kaise kiya jata hai? Okay, let's start the lesson. Computer is one of the most useful machine man has made. Computer ek aisa machine hai jo bahut zyada useful hai. Aur kisne banaya hai? Man ne. We can play games, watch movies, listen to music and even solve mathematical problems with the help of this machine. हम क्या कर सकते हैं? Games play कर सकते हैं, movies देख सकते हैं, music सुन सकते हैं और even जो mathematical problems होते हैं ना, addition, subtraction, multiplication, division, वो भी हम computer की help से solve कर सकते हैं. क्योंकि computer है वो एक machine है, इसलिए. Now the types of computers. Computers come in all shapes and size. Let's have a look at the three most commonly used computers. Computers होते हैं वो all shapes and size में available होते हैं. उसके different different size and shapes होते हैं. Let's have a look at the three most commonly used computer. जो हम routine use करते हैं, commonly use करते हैं, उसमें three types होते हैं. तो उसमें सबसे पहले आएगा desktop. So the number one is desktop. Let's start with the first type of computer. Desktops are computer that we keep on the desk. जो desktop computers होते हैं उसको हम desk के ऊपर रख सकते हैं, यानी कि table के ऊपर रख सकते हैं. They are large in size and have a four main parts. वो size में भी large होते हैं, यानी कि वो big होते हैं. उसको कोई एक place से another place पर हम easily move नहीं कर सकते हैं. और उसके main four parts है. मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि आपको जो टीवी स्क्रीन जैसा दिखाई देता है उसको हम बोलेंगे मॉनिटर. मॉनिटर के नीचे ही एक बोर्ड पड़ा है, उसके ऊपर बहुत सारी कीज आपको दिखाई दे रही है. सो वी कैन आइडेंटिफाई दिस बोर्ड विद द कीबोर्ड. उसके बाजू में ही एक छोटा सा ब्लैक कलर का राउंड बॉल जैसा दिखाई देता है, उसको हम बोलेंगे माउस. और आपको एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, जो बड़ा बॉक्स जैसा है, उसको हम बोलेंगे सीपीयू. सो देर आर मेन फोर पार्ट्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. नंबर वन मॉनिटर, नंबर टू सीपीयू, नंबर थ्री कीबोर्ड एंड नंबर फोर माउस. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड. द सेकंड टाइप ऑफ द कंप्यूटर. सबसे फर्स्ट टाइप था डेस्कटॉप कंप्यूटर. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप. लैपटॉप आर कंप्यूटर्स दैट वी कैन कीप ऑन अवर लैप. जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम लैप में रख सकते हैं, लैप यानी कि हमारी गोद में. दे आर स्मॉलर देन डेस्कटॉप एंड लाइट इनफ फॉर अस टू कैरी अराउंड. जो लैपटॉप होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे हैं साइज में, और उसमें जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि वो लाइट होते हैं वेट में, तो उसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, यानी कि कोई एक प्लेस से अनदर प्लेस पर हम उसको ले जा सकते हैं. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, टैबलेट. दीज आर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप्स. टैबलेट हैव अ टच स्क्रीन. वाई? Which allow us to type and select items on the screen. जो tablets होते हैं वो बहुत ज़्यादा smaller and lighter होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा weight में कम होते हैं, और laptop से भी वो बहुत ज़्यादा small होते हैं. डेस्कटॉप से भी छोटे लैपटॉप होते हैं, और लैपटॉप से छोटे टैबलेट्स होते हैं. और टैबलेट की जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, यानी कि उसके कोई भी फंक्शन को आपको यूज़ करना है तो उसके ऊपर आपको सिर्फ टच ही करना होता है, और वो हमें टाइप और कोई भी आइटम सिलेक्ट करने के भी अलाउ करता है. सो टैबलेट इज़ अ सिमिलर टू द एंड्रॉयड फ़ोन. आपके घर पर जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो उसके सिमिलर ही टैबलेट होता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पॉइंट,
टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, हम कोई भी कंप्यूटर है उसको स्टार्ट या ऑफ कैसे करें? जस्ट वी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स सच एज द टेलीविजन और फैन, वी नीड टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अ कंप्यूटर टू। जैसे हम सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑन एंड ऑफ करते हैं, जैसे फैन, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एसी, तो जैसे हम उसको भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं, वैसे कंप्यूटर को भी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना पड़ता है। इट्स कॉल्ड स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। तो अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग, और अगर कोई भी कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करेंगे तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलेंगे शटिंग डाउन। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। टू स्टार्ट द कंप्यूटर देर आर थ्री मेन स्टेप। फर्स्ट, टर्न ऑन द पावर सप्लाई स्विच। सबसे पहले आपको क्या करनी है, पावर सप्लाई स्विच होती है उसको आपको स्टार्ट करनी है। नाउ ऑन नंबर सेकंड, प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू टू टर्न इट ऑन। आपको जो सीपीयू दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, उसमें आपको रेड सर्कल करके हाईलाइट किया गया है, वो पावर बटन है सीपीयू का। वो रेड कलर जैसे आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है, वो सीपीयू का पावर बटन आपको एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, तो सीपीयू भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑन नंबर थर्ड, प्रेस द पावर बटन ऑन द मॉनिटर टू टर्न इट ऑन। मॉनिटर की राइट साइड पर आपको जो रेड कलर का सर्कल करके हाईलाइट किया गया है, वो मॉनिटर का पावर बटन है जो नीचे आता है स्क्रीन के नीचे, उसको आपको प्रेस करके छोड़ देना है, तो मॉनिटर भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो देर आर थ्री स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। सबसे पहले पावर सप्लाई स्विच स्टार्ट करनी है, ऑन नंबर सेकंड सीपीयू का पावर बटन स्टार्ट करना है, और ऑन नंबर थर्ड मॉनिटर का पावर बटन आपको प्रेस करना है। ओके, नाउ लेट सी हाउ अवर स्क्रीन इज अपियर। वी कैन नाउ व्यू अ स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। जैसे ही मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा आपको मॉनिटर पर एक स्क्रीन दिखाई देगी। This screen is called the desktop. Notice the small picture on the desktop screen. These are called icons. आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर जो स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलेंगे आइकन्स। ओके, और कंप्यूटर स्टार्ट करते ही जो आपको सबसे पहले स्क्रीन दिखाई दे उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ओके, आप ये पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द डेस्कटॉप एंड आइकन्स बोथ आर highlighted by the arrow. Now we are going forward to shut down a computer. Computer को shut down कैसे किया जाए? पहले हमने क्या सीखा, computer को start करना सीखा three step में, कि power supply switch start करनी है, CPU का power button start करना है, और उसके बाद monitor का power button press करना है। अब हम सीखेंगे computer को close कैसे किया जाए। So number first is, the first step is क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नंबर टू, क्लिक शट डाउन। जो आपको पिक्चर में रेड कलर से बॉक्स करके हाईलाइट किया गया है ना, वहाँ पर लिखा है देखो शट डाउन, उसके ऊपर आपको माउस ले जाकर एक बार क्लिक करना है। द शटिंग डाउन मैसेज अपियर ऑन द स्क्रीन, द मोनिटर टर्न ब्लैक। और जैसे ही आप शट डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी, यानी कि शट डाउन का मैसेज आने के बाद आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो क्लोज हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ऑन नंबर थर्ड, स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। फिर मॉनिटर का जो पावर बटन है जो राइट साइड पर मॉनिटर के स्क्रीन के नीचे आपको दिया जाता है, वो पावर बटन आपको प्रेस करना है, यानी कि उसको बंद करना है। एंड ऑन नंबर फोर, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। आपको लास्ट में स्विच क्लोज ऑफ कर देनी है। अब इसमें आपको सीपीयू में कुछ भी करना है नहीं, जब स्टार्ट करना हो तो ही आपको सीपीयू का पावर बटन स्टार्ट करना होता है, पर क्लोज करने में सीपीयू का कोई भी बटन आपको प्रेस करना है नहीं। सो डायरेक्टली आप शट डाउन करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाए तो उसके बाद आप डायरेक्टली स्विच बंद कर सकते हो।